सोलन में एनएसयूआई द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार स्थान ने की। इस मौके पर उनके द्वारा जिला में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली से बेहद दुखी हैं, जिस कारण विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। शिक्षा की दुकानें सरकार द्वारा खोली जा रही हैं, जिसमें पूंजीपति लोग काफी लाभ कमा रहे हैं। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब छात्र अधिक फीस की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हिमाचल के युवा शिक्षा से वंचित भी रह रहे हैं। इसलिए वे उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये अभियान एनएसयूआई के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि गलत शिक्षा नीति में बदलाव लाया जा सके। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार ने कहा कि उनके द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान आरंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि ये अभियान इसलिए आरंभ किया गया है क्योंकि प्रदेश सरकार पूंजीपतियों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की दुकानें खोल रही है, जो विद्यार्थी हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के विरोध में एनएसयूआई द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षा संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों से वे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं, ताकि प्रदेश सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के प्रति वे जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है, कई विसंगतियां भी सामने आई हैं। उन मांगों को लेकर भी सरकार के समक्ष एनएसयूआई जाएगी। अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो प्रदेश सरकार के खिलाफ एनएसयूआई लामबंद होकर प्रदर्शन भी करेगी। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो एक हमने जो कार्यक्रम है शिक्षा बचाओ देश बचाओ जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया है जिला सोलन में, और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो है कॉलेज कॉलेज तक हर छात्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सरकार जो है शिक्षा को एक निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है और किस तरह से ये व्यापारियों को जो है शिक्षा का जो व्यापार है व्यापारियों तक जो है वो लिया जा रहा है। इस पे आज प्रेस वार्ता थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ होगी, इस पे आज हमने जो है सरकार को बताने की कोशिश की है कि आप जो शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं वो एनएसयूआई उसका विरोध करती है, और जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर जो उम्र में छूट वो दी जाए, क्योंकि कोविड के कारण आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, बीए का क्राइटेरिया 5 साल का था, अगर उसमें वैसे ग्रेजुएशन 3 वर्ष की होती है और अगर कोई बच्चा रह जाता है तो उसे पूरा 5 वर्ष में करना होता है, लेकिन 2016 वाले जो बच्चे हैं आप देखेंगे कि 2 साल हमारे कोविड में निकल गए, उस कारण जो है एग्जामिनेशन नहीं हो पाए। तो उसको लेकर और भी जो छात्र हैं हम चाहते हैं कि इसको आप इसकी जो उम्र का है या टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया जाए, और हम आपके माध्यम से मोदी सरकार को हिमाचल प्रदेश में बैठी जयराम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप छात्रों के भविष्य से खेलना चाहेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, एनएसयूआई इसका विरोध करेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से एचपीयू के में बैठे जो वीसी है उनको भी मैं चेताना चाहता हूँ कि आप अपने किसी खास बच्चों को जो है स्पेशल सीट पीएचडी में दिलवाकर जो है वो आम छात्रों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इस चीज़ को जो है वो जल्द से जल्द इस पे एचपीयू जो है एक्शन ले, और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा जो है वो ध्यान दे कि एचपीयू में क्या चल रहा है। वैसे तो जो माननीय वीसी साहब है वो भी जयराम ठाकुर जी के नुमाइंदे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी सरकार से मोदी सरकार से ये डिमांड रखना चाहूँगा कि आप जो शिक्षा है उसको बचाने का काम करें, उसको बेचने का काम ना करें।